नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी ग्राम पंचायत के आरकुली भट्टा में ग्रामीणों ने आईटीबीपी के जवानों के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। गदरपुर में 35 लाख रुपए की चोरी का एसएसपी ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। मसूरी में 182 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों ने 75 किलोमीटर की निकाली तिरंगा यात्रा। सरकारी स्कूलों के विकास का अभियान की करी शुरुआत। नानकमत्ता पुलिस को हनी ट्रैप के 2 मामलों में मिली सफलता, 2 पुरुष और 3 महिलाएं गिरफ्तार। डोईवाला में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली। रैली में डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला के साथ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल, ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह दिखाते हुए रैली में भाग लिया और आजादी के अमृत महोत्सव को लोगों ने बिल्कुल कहना चाहिए कि त्यौहार क्या कहूँ मैं कि खुशी की पराकाष्ठा तक पहुँचाने का काम किया है। पूरा देश आज़ादी के 75 साल को जिस धूमधाम से मना रहा है, वास्तव में इससे अधिक और क्या हो सकता है। उन तमाम संग्राम सेनानियों को, तमाम उन बलिदानियों को जिन्होंने देश के लिए फिरंगियों के डंडे सहे, जेलों में बंद रहे, दो दो आजीवन कारावास की सजा जिन्होंने भुगती है, आज सारा देश नतमस्तक होकर के और उनको याद कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मंडल द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा में जैसा आप देख रहे हैं, पूरे हर वार्ड के, 20 वार्ड के, हर क्षेत्र के बच्चे, युवा, मातृशक्ति, पुरुष सैनिक और आम हमारे भाई जो हैं आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में आए हैं। लोगों में बहुत खुशी का और उत्साह का वातावरण दिख रहा है और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में उत्साह है और खुशी का वातावरण कि आज हम लोग देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अपने आजाद हिंद फौज के सेनानियों को याद कर रहे हैं। कालाडूंगी विधानसभा अंतर्गत कोटाबाग नगर क्षेत्र में आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए क्षेत्र विधायक बंशीधर भगत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क तिरंगा वितरण कर आम जनमानस से अपील की गई कि हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहराए और इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाया जाए। आजादी का 75वां वर्ष माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव के रूप में मनवा रहे हैं और पूरा राष्ट्र उनके पीछे खड़ा है। मैं समझता हूं आज एक पूरे देश के अंदर लहर चल रही है, तिरंगा झंडा अपने घर के ऊपर लगे, बड़े उत्साह से लोग अपने अपने घरों पर झंडा लगा रहे हैं और 13, 14, 15 में देश के प्रत्येक घर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, ऐसा मेरा मानना है। और सभी में, युवा, महिला, बुजुर्ग, सब में इसको लेकर बड़ा भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। देश में आज़ादी के समय की बात, एक पहली बार पूरा देश एकजुट होकर एक साथ दिखाई दे रहा है। जनपद चमोली में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं शनिवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पर्यटन नगरी ग्वालदम में एसएसबी, युवक मंगल दल, सरस्वती शिशु मंदिर, राजकीय इंटर कॉलेज, पूर्व सैनिक संगठन और वन विभाग के द्वारा ग्वालदम मुख्य बाजार में तिरंगा रैली निकाल कर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। लक्सर के बसपा विधायक हाजी शहजाद ने देश के तिरंगे को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमने बनाया है, इसको फहराने का पहला हक सिर्फ हमारा है। लक्सर के बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने तिरंगे का बंटवारा करते हुए उस पर अपना हक जता दिया। देशभक्ति है तिरंगा, हमारा ही तो बनाया हुआ है, तुम पहला हक हमारा बनता है, हम फहराएंगे इसे। सबसे शुरुआत में जनरल शाहनवाज साहब ने फहराया था, श्रीमती सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रधानमंत्री की गाड़ी पर 14-15 की मध्य रात्रि में ये गाड़ी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगाया था। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा सुतकियाना बाजार से मुख्य बाजार होते हुए ब्लॉक के प्रवेश द्वार तक पहुंची और वापस विद्यालय परिसर में ही रैली का समापन किया गया।
प्रधानाचार्य राजेंद्र कंडारी ने बताया कि तिरंगा रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज खिरेरी खाल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन आपको बता दें कि इस स्कूल की हालत दयनीय बनी हुई है। स्कूल स्टाफ का कहना है कि कई सालों से इसकी मरम्मत के लिए उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन अभी तक किसी के भी द्वारा कोई सूद नहीं ली गई है। जनपद नैनीताल में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मलिताल चीना बाबा मंदिर के पास से तिरंगा बाइक रैली निकालकर सभी देशवासियों जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मसूरी ग्राम पंचायत के आरकुली भट्टा के ग्रामीणों ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों, युवा मंगल दल के सदस्यों, प्राथमिक स्कूल के छात्रों और ग्रामीणों के सहयोग से भट्टा गांव से झील होते हुए बसारगाड तक तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के तहत भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और भारत माता की जय के नारे लगाकर सभी लोगों को घरों में तिरंगा लगाने का आह्वान किया। नगर पंचायत गैरसैंण द्वारा आहूत तिरंगा रैली में क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं, महिलाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, व्यापारियों, पूर्व सैनिकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भाग लिया। गैरसैंण नगर पंचायत कार्यालय से शुरू मिलो लंबी रैली इंटर कॉलेज खेल मैदान में पहुंचकर सम्मान सभा में तब्दील हो गई, जहां कारगिल शहीद की पत्नी विमला देवी को सम्मानित किया गया। आभारी हैं समस्त विद्यालयों के, समस्त महिलाओं के, समस्त आंगनबाड़ी कर्मचारियों के और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके सहयोग से आज हमारा जो तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है नगर पंचायत के द्वारा, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये राष्ट्रीय ध्वज के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, नगर पंचायत द्वारा भी सभी लोगों ने, इस नगर के क्षेत्र के लोगों ने, चाहे बाहर के लोग भी हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। नगर पंचायत सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है, साथ ही पत्रकारों का भी सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सारे घरों में इसमें झंडे लगने हैं, कोई घर छूटना नहीं चाहिए। अभी हमारे कर्मचारी प्रत्येक घरों में, प्रत्येक गाँव में जाके निरीक्षण करेंगे कि प्रत्येक घरों में झंडा लगा या नहीं लगा। हमने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सबको झंडा वितरित करके प्रत्येक को समझा रखा कि आप लोग प्रत्येक घर में झंडा लगवा, घर घर तिरंगा, जो हमारी आन बान शान है। और मैं आज नगर पंचायत गैरसैंण का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम, और हमारे समस्त विद्यालय परिवार के परिवारजनों का भी धन्यवाद करूंगी, और समस्त हमारे दूर दराज से आए हुए हमारे कई समस्त जनप्रतिनिधिगण और हमारे सभी कार्यकर्ताओं और सभी हमारे सब लोगों ने सहयोग किया, इसमें मैं धन्यवाद करूँगा सबका और पत्रकार बंधु का भी धन्यवाद करूँगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में खुशी का माहौल है। जगह जगह तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी निकाली जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर भर प्रभात फेरी निकाली और अमर शहीदों को याद किया। देखिए, 75 साल स्वतंत्रता के हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये एक संदेश दिया है कि पूरे नगर में, हर नगर में हर बूथ पर प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। उसी क्रम में आज जसपुर में प्रभात फेरी निकल रही है और इसके माध्यम से एक लोगों के अंदर देश भाव के प्रति भावना, उनको याद दिलाना कि हमारे कितने शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, हमें देश की आज़ादी मिली और देश की आज़ादी का क्या महत्व है, ये बताने का प्रयास इस प्रभात फेरी के माध्यम से। जनपद उधम सिंह नगर की नानकमत्ता पुलिस को हनी ट्रैप के 2 मामलों में सफलता मिली है। नानकमत्ता पुलिस ने 2 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नानकमत्ता थाने में एसपी रुद्रपुर मनोज कतियाल ने हनी ट्रैप के 2 मामलों का खुलासा किया। प्रथम दृष्टया 2 मामले हम लोग के संज्ञान में आए थे और जिसमें हमने अभियोग पंजीकृत पूर्व में किए हुए थे, पूर्व में ही एक अभियोग भी हमारी गिरफ्त में था। तो घटनाक्रम इन दोनों में लगभग एक प्रकार का है कि इनमें जो महिलाओं का प्रयोग करके ये कुछ हनी ट्रैप टाइप का ये मैटर बनाते हैं, जिसमें महिलाओं को प्रयोग करके ये लोग उनको एकांत जगह पर बुलाते हैं, वादी को या जो भी व्यक्ति इनके चंबल में फंसते हैं उनको एकांत जगह पर बुला करके और महिलाओं के तरफ से उस पर जो अश्लील हरकतें या अन्य महिला संबंधी अपराध की धमकी देके उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं, और आदमी जो है, जो भी इसमें विक्टिम है, वो अपनी इज्जत की वजह से उनको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही थी, तो इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। तो इसमें आज 5 गिरफ्तारियां हमने की हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, और इनका मोडस ऑपरेंडी यही है, ये सामान खरीदने के बहाने, लिफ्ट लेने के बहाने पुरुषों के संपर्क में आते हैं और पुरुषों के संपर्क में आने के बाद उन्हें एकांत जगह में बुलाते हैं फोन और संपर्क में आकर के,
और जब एकांत जगह में पुरुष आ जाते हैं तो उन्हें अपने ऊपर आरोप लगाते हुए कि भाई हम आप पे छेड़खानी का आरोप लगा देंगे या हम आप पे बलात्कार का आरोप लगा देंगे, इस प्रकार के आरोप लगा करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण गिरफ्तारी होनी है। और ये गैंग जो है काफ़ी घटनाएँ यहाँ पर क्षेत्र में कर चुका है, दो घटनाएँ बिना प्रकाश में आई हैं। जनपद बागेश्वर से चरस तस्करी का सीजन शुरू हो गया है। एसओजी और मुखबिर की सूचना के आधार पर झिरोली पुलिस ने चरस तस्करी करते हुए दो तस्करों को 7 किलो 48 ग्राम की बड़ी खेप के साथ काफरी गेर के पास से दबोचा। जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना अंतर्गत विगत 12 अगस्त को मकान मालिक की गैर मौजूदगी में हुई चोरी का एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने खुलासा किया है। पुलिस ने लगभग 1.5 लाख की नकदी, 66 तोला सोना और 873 ग्राम चांदी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक सबसे बड़ी रिकवरी हासिल की है। आपको बता दें कि गदरपुर निवासी ब्रजेश सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए वो अपने ससुराल बुलंदशहर गए थे। जब वो 12 अगस्त को लगभग 2 बजे अपने घर वापस आए तो दोनों कमरों में रखी लोहे की अलमारी के दरवाजे टूटे और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। साथ ही अलमारी में रखे आभूषण और कैश गायब थे, जिसके चलते उनके होश उड़ गए और उन्होंने इस मामले की तत्काल पुलिस को सूचना दी। गदरपुर में एक पार्षद पति ने तहरीर दिया कि उनके घर में 11 तारीख की रात को वो गए थे राखी त्योहार सब मनाने के लिए और उनके घर में भारी नकबजनी हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में सोना चांदी और कैश का नकबजनी हुआ है करके। उनका असेसमेंट ये था कि 65 से 70 तोला सोना गया था करके, पर ये हमारा इमेजिनेशन से भी बहुत ऊपर था। फिर भी हमने इसमें अचंभित होकर भी हमने उस मुकदमा को हमने रजिस्टर करते रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है हमारा गदरपुर की टीम है लगातार एक्टिवेट करती रही, जिसमें विशेषतः गौरव जोशी एसआई और इमरान रवि और विशेष पुलिस टीम एसओ की नेतृत्व में काम करते रहे। तो FIR अपनी जगह लिखा जा रहा था लेकिन टीम बहुत एक्टिवेट होकर काम करने लग गई थी। तो इसी का एक नतीजा रहा कि 4 घंटे के भीतर भीतर हमारे को पुलिस की सूचना आके 4 घंटे के भीतर भीतर हमने ये तीनों चोरों तक पहुंच गए कैमरा और टेक्निकल के आधार पर, बिना एसओजी का सहयोग का। केवल गदरपुर पुलिस ने इस वर्कआउट को किया है, ये उत्तराखंड इतिहास का सबसे हाईएस्ट वर्कआउट है रिकवरी में, प्रॉपर्टी ऑफेंस में। कुल मिला के 660 ग्राम गोल्ड, तो 42 आइटम्स है, तो 660 ग्राम गोल्ड, 66 तोला सोना, 1 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए कैश, कुल मिला के 35 लाख रुपए का जेवरात और नगद का रिकवरी हुआ है। इसके लिए टीम को बधाई देना चाहता हूँ। प्रोफेशनल पुलिसिंग का इन्होंने दुरुस्त नमूना किया है। इनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी दिया जाएगा, 10,000 रुपए कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ये हिसाब से भी हम अनुरोध करेंगे। ये जो आरोपी थे ये कौन लोग थे और कितने लोग? आरोपी लोकल के हैं, 3 लोग हैं, उसमें से एक इन्हीं का ही टेनेंट था, किराएदार था, तो मुस्तकीम करके, बाकी दोनों भी ये जो हमारे वादी का जानकार ही थे। तो एक बार तो मतलब हैरानी वाली बात है कि वो जाने से पहले इनको बोला भी था कि भाई हम जो है जा रहे हैं उसको 2 दिन के लिए करके, तो इनको विश्वास भी रहता वादी को कि इन्होंने करा होगा करके, पर ये भागने की। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी द्वारा आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुबह 6 बजे मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के मुख्य गेट से अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास आर कट्टी कितला द्वारा तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा में 182 ट्रेनी IAS अधिकारियों के साथ अकादमी के फैकल्टी और स्टाफ द्वारा पैदल, साइकिल और दौड़ लगाकर मसूरी से 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया गया। आज तिरंगा यात्रा में हम 75 वर्ष में मनाने के लिए 75 किलोमीटर हमारे साथी प्रशिक्षु फैकल्टी जा रहे, और रास्ते में 75 स्कूल प्राथमिक शालाओं के हम टच करेंगे और आने ये अब से लेकर के सतत इसके साथ संपर्क रखेंगे, और ये 75 स्कूल्स में उन स्कूल का बच्चों का डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम करेंगे। इस एक नए ध्येय के साथ ये आज़ादी का अमृत काल के दौरान ये 75 स्कूल्स लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है दत्तक ले रही है, सारे हमारे प्रशिक्षु अधिकारी इस काम में जुटेंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैरीनाग में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। रैली का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गंगोलीहाट विधानसभा के सभी घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। 73वां वर्ष आजादी का ये वर्ष है, इसको अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माँ भगवती टैक्सी एसोसिएशन पोखरी पुल कर्णप्रयाग के पदाधिकारियों द्वारा बिना यूनियन के डगामार वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जो भी वाहन अपनी बारी और बुकिंग पर जाता है उससे एसोसिएशन द्वारा टोकन काटना होगा। टोकन रसीद न होने पर उसके खिलाफ एसोसिएशन द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि डगामार वाहन घर घर से सवारियों को ले जा रहे हैं, जिससे कि यूनियन के चालकों को सवारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में चालकों को आर्थिक संकट से होकर गुजरना पड़ रहा है।
जय माँ भगवती टैक्सी एसोसिएशन, पोखरी पुल पे रस्सर है और ये जो विदाउट दगामारी वाहन चल रहे हैं, बिना यूनियन के चल रहे हैं, तो हमारी जो गाड़ियां हैं वो खड़ी रह रही हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा है। जिस बेचारे ने यहाँ यूनियन में अपनी गाड़ी रस्सर करवा रखी है, सदस्यता ले रखी है, उस गाड़ी के लिए तो काम ही नहीं मिल रहा है। और दगामार गाड़ियाँ जो है घर घर से सवारी उठा रही है, आपके जगह जगह से सवारियाँ उठा रही है, बिना यूनियन की सवारियाँ भी ले जा रही है और इन पे शासन प्रशासन कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। कई बार समस्याएं महासंघ के अंदर भी रखी गई है, महासंघ भी जागरूक नहीं बन हो रहा है। तमाम यूनियन है, सारी यूनियन है जो है रोड पे चेकिंग का अभियान चला रही है और डगामार वाहनों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।